ओके हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के हम लोग लेक्चर में डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं ई टू एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, ई टू जैसे कि हमने देखा कि ई वन एलिमिनेशन में हमने दो तरह का रिएक्शन देखा था, डी हाइड्रोहैलोजनेशन रिएक्शन यानी कि जिसमें एच एक्स का रिमूवल हो रहा था, और एक हमने रिएक्शन देखा था डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। ठीक है, ये मेनली दो रिएक्शन जो थे वो हमने ई वन के अंदर में देखा था। ठीक है, अब एक चीज़ थोड़ा ध्यान से समझेंगे कि डिहाइड्रोहैलोजनेशन यानी कि जो एच एक्स का रिमूवल होता है, ठीक है, एच एक्स का रिमूवल जो होता है वो मैक्सिमम केसेस में जो होता है, ठीक है, वो हम लोग हमेशा बात करते हैं कि वो ई टू एलिमिनेशन से ज़्यादा जाता है, ई वन एलिमिनेशन से जो होता है, ठीक है, वो कम जाता है। तो ये इसके पीछे का तुम्हारा रीज़न समझेंगे जब हम लोग ई टू वर्सेस एस एन टू की बात करेंगे। ठीक है, अभी हम लोग यहाँ पे ये बात करते हैं कि कैसे हम लोग यहाँ पे ई टू एलिमिनेशन में रिएक्शन प्रोसीड करता है। ठीक है, तो ई टू एलिमिनेशन बिल्कुल जैसे एस एन टू में हमने पढ़ा था, ठीक है, बिल्कुल ई टू एलिमिनेशन में भी सेम तरह का रिएक्शन प्रोसीड करता है। ठीक है, चीज़ों को थोड़ा सा इस तरह से समझेंगे कि जैसे मान लो कि रिएक्शन है, तो ये हमने अल्काइलहाइड यहाँ पर ले रखा है, यहाँ पर एक्स जो है, ठीक है, ये मान लो कि कोई भी एक लिविंग ग्रुप हो सकता है। ठीक है, ये कोई एक लिविंग ग्रुप है, उसके बाद ये जो आपका बेस हो गया और हमने हिट दे रखा है यहाँ पर। ठीक है, अब इस चीज़ को समझेंगे कि जैसे एस एन टू में होता था कि साइमल्टेनियसली न्यूक्लियोफाइल अटैक करता था, लिविंग ग्रुप बाहर निकलता था, यहाँ पर भी एकदम हुआ उसी तरह से हो रहा है कि आपका जो लिविंग ग्रुप होगा वो जिस रेट से बाहर की तरफ निकल रहा होगा उसी रेट से बीटा हाइड्रोजन, यानी अगर ये अल्फ़ा है तो ये बीटा, तो ये बीटा हाइड्रोजन को बिल्कुल सेम रेट से ये जो बेस दिख रहा है, ठीक है, वो एज अ प्रोटोन यहाँ से इसको लेकर जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सेम रेट से। तो यहाँ पे हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि जो रेट ऑफ लिविंग ग्रुप, एबिलिटी ऑफ लिविंग ग्रुप है, वो बिल्कुल सेम होगा। ठीक है, रेट ऑफ अटैक ऑफ बेस ऑन प्रोटोन, या ऐसा बोल सकते हैं कि जो रेट ऑफ रिमूवल ऑफ बीटा हाइड्रोजन है इज एग्जैक्टली इक्वल्स टू रेट ऑफ लिविंग ग्रुप एबिलिटी ऑफ लिविंग ग्रुप। ठीक है, तो ये ई टू एलिमिनेशन का जो होता है सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन होता है। तो रिएक्शन जो होता है एक सिंगल स्टेप में प्रोसीड कर रहा होता है, ये जो बेस आपको दिखता है ये बेस अप्रोच करता है किस पे, एच के तरफ। ठीक है, अब जैसे से एच के तरफ अप्रोच करेगा तो क्या होगा, ठीक है, इसको ट्रांजिशन स्टेट से समझते हैं। एच पे कौन सा चार्ज आ रहा होगा, पॉजिटिव चार्ज। कैसे इसको समझेंगे, एक्स पे जब डेल्टा नेगेटिव चार्ज होगा, इस एक्स पे जब डेल्टा नेगेटिव होगा तो इस कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव होगा। अब देखो, जब इस पे डेल्टा पॉजिटिव होगा तो इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होगा वो इस कार्बन से ज़्यादा होगा, तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, और जब ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा तो इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन का कमी आएगा, तो ये क्या करेगा, इस हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करने लगेगा। तो मतलब ये है कि यहाँ जो हाइड्रोजन दिख रहा है उस पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आने लगेगा। ठीक है, तब जो ये तुम्हारा बेस दिख रहा है वो बेस क्या करेगा, इस एच को तुम्हारा, ठीक है, अटैक करना शुरू कर देगा। इस एच को अटैक करना जैसे जैसे शुरू करता है, ठीक है, वैसे वैसे इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ता जाता है, क्योंकि यहाँ तो एच एच प्लस के फॉर्म में बाहर निकल रहा होगा, तो इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ता होगा। तो जैसे जैसे इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा डेल्टा नेगेटिव और इस कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव, तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी धीरे 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 इसकी तरफ शिफ्ट होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो धीरे धीरे जब इसकी तरफ शिफ्ट होना शुरू हो जाता है, ठीक है, तो मतलब इनमें एक डबल बाउंड का कैरेक्टर आना शुरू हो जाता है। जैसे यहाँ पे डबल बाउंड का, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे शो कर रहे हैं किस तरह से डबल बाउंड का कैरेक्टर अपीयर हो रहा है। ठीक है, एंड फाइनली, ठीक है, जैसे ही ये एक्स लीव कर जाएगा उसी टाइम पे ओ एच जो होगा इस एच को लीव करके ले जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से एच भी साइमल्टेनियसली बाहर निकल गया, यहाँ से एक्स भी एज अ लिविंग ग्रुप क्या हो गया, बाहर निकल गया, तो यहाँ पर डबल बाउंड का कैरेक्टर आ गया, तो ये डबल बाउंड का कैरेक्टर यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो गया। ठीक है, तो मतलब ये एक सिंगल स्टेप में हो रहा है वाया ट्रांजिशन स्टेट, और ट्रांजिशन स्टेट का ध्यान से अगर देखोगे कैरेक्टरिस्टिक्स, तो चूंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड का कैरेक्टरिस्टिक्स है तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ट्रांजिशन स्टेट का कैरेक्टरिस्टिक्स जो होगा वो बिल्कुल प्रोडक्ट होगा या अल्कीन लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स होगा। ऐसे जब हैमोंड्स प्रिंसिपल से हम लोग इसका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम देखेंगे उससे भी ये चीज़ क्लियर होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देख सकते हो डबल बॉन्ड का कैरेक्टर आ रहा है, डबल बॉन्ड का कैरेक्टर तो इसमें तो नहीं है, मतलब प्रोडक्ट में है, मतलब ट्रांजिशन स्टेट का नेचर कैसा दिख रहा है हम लोग को, यहाँ पे प्रोडक्ट के जैसा दिख रहा है। ठीक है, अब जो ये रिएक्शन एक सिंगल स्टेप में तुम्हारा कंप्लीट हो रहा है, उसके बाद अगर हम वो बात करेंगे स्ट्रॉन्ग बेस जो होता है, देखो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जनरली स्ट्रॉन्ग बेस को यूज़ करते हैं ई टू एलिमिनेशन में। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग बेस को क्यों यूज़ कर रहे हैं, तो इस चीज़ को तुम ऐसे समझ सकते हो कि मान लो कि अगर लिविंग ग्रुप लीव कर गया और बेस के पास ये एबिलिटी ही नहीं है कि वो प्रोटोन को एट द सेम टाइम विड्रॉ कर सके, रिमूव कर सके, तो मतलब वहाँ पे बेस का नेचर वीक माना जा रहा है। तो अगर बेस स्ट्रॉन्ग नेचर का होगा तो उसी वक्त
ठीक है, जिस वक्त लिविंग ग्रुप बाहर निकल रहा होगा उसी वक्त बेस भी क्या करेगा, उस एच पे जाकर अटैक कर देगा, ठीक है। तो यानी कि जो तुम्हारा रेट ऑफ अटैक ऑफ बेस ऑन प्रोटोन होगा वो एग्जैक्टली सेम होगा किसके, रेट ऑफ रिमूवल ऑफ लिविंग ग्रुप, ठीक है। तो ये दोनों तुम्हारा रेट क्या होगा, होगा सेम। तो इसके लिए जो हमारा प्राइमरी कंडीशन होना चाहिए, ठीक है, वो ये होना चाहिए कि जो हमारा बेस होना चाहिए वो बेस स्ट्रांग होना चाहिए। तो इसलिए हम यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स मेंशन हमने कर रखा है, NaNH2 KNH2 CH3O- अल्कोहलिक OH, अल्कोहलिक NaOH, टर्शरी ब्यूटोक्साइड का हमने एग्जांपल लिया हुआ है, LDA का स्ट्रक्चर हमने एक्सप्लेन कर रखा है पहले भी, ET3N और यहाँ पे एक पिरिडीन, ठीक है। तो इस तरह से तुम्हारा ये सारा एग्जांपल जो ये सारा स्ट्रॉन्ग बेस का है, इन एग्जांपल्स को आप याद रखेंगे। अगर इन एग्जांपल्स को आप देखते हैं तो आपके मन में सबसे पहला जो ख्याल आना चाहिए वो ये आना चाहिए कि यहाँ पे E2 एलिमिनेशन होने के चांसेस हो सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए इनको याद रखेंगे। उसके बाद सेटजेफ अल्किन जो होगा एज अ मेजर प्रोडक्ट यहाँ पे फॉर्म करेगा। जनरली ऐसा होगा कि जो सेटजेफ प्रोडक्ट होगा, ठीक है, वो तुम्हारा मेजर प्रोडक्ट होता है। देखो याद रखना हमेशा इवन एलिमिनेशन में ऑलवेज कार्बोकेटायन फाइनल बनता था रीअरेंजमेंट के बाद, तब एलिमिनेशन होता था, ठीक है। लेकिन याद रखोगे हमेशा कि जो तुम्हारा यहाँ पे सेटजेफ प्रोडक्ट होता है, इसके पहले कंडीशन लगा दिया गया है, जनरली कंडीशन लगा दिया गया, मतलब क्या कि कुछ ऐसे भी केसेस हो सकते हैं जहाँ पे हॉफमैन प्रोडक्ट जो होगा वो ज़्यादा मेजर होगा दैन सेटजेफ प्रोडक्ट। तो वो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, पहले इनको लिख लें, उसके बाद आगे और इनके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं। ओके, ठीक है, इसका काइनेटिक्स के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो काइनेटिक्स में सबसे पहले यहाँ पे इस रिएक्शन में देखो कि रिएक्शन चूंकि सिंगल स्टेप में हो रहा है, अगर सिंगल स्टेप में हो रहा है तो सिंगल स्टेप में कितना मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा है, यहाँ पे एक बेस अप्रोच कर रहा है और एक अल्काइल हैलाइड अप्रोच कर रहा है, मतलब एक इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है, और एक हमारे पास बेस है, ये दोनों एक ही स्टेप में पार्टिसिपेट कर रहा है। मतलब रिएक्शन का रेट जो है वो इस पर भी डिपेंड करेगा और इस पर भी डिपेंड करेगा, मतलब अगर इसका कंसंट्रेशन बढ़ाओ तो भी रेट बढ़ेगा, इसका कंसंट्रेशन बढ़ाओ तो भी रेट बढ़ेगा। ये चीज़ E1 के साथ नहीं था, E1 का रिएक्शन सिर्फ किस पर डिपेंड करता था, सिर्फ जो सब्सट्रेट लेते थे उस पर डिपेंड करता था, बेस पर डिपेंड वहाँ पर नहीं करता था। तो E1 रिएक्शन का रेट बेस के इंडिपेंडेंट होता था, आप बेस का कंसंट्रेशन बढ़ा दो E1 में, रेट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि अगर आप बढ़ाओगे बेस का कंसंट्रेशन तो रेट बढ़ेगा, इसका कंसंट्रेशन घटाओगे तो रेट भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अल्काइलाइड की बात करते हैं, अल्काइलाइड का अगर कंसंट्रेशन बढ़ा दो रेट बढ़ जाएगा, अल्काइलाइड का कंसंट्रेशन घटा दो रेट भी घट जाएगा, मतलब रेट जो है वो इसके भी प्रोपोर्शनल है और इसके भी प्रोपोर्शनल है। तो हम एक एक्सप्रेशन लिख दिया हमने, रेट इज इक्वल टू के इनटू अल्काइलाइड इनटू बेस, इसका चूंकि पावर 1 है, इसका भी पावर 1 है, तो ऑर्डर कितना हो जाएगा इसका 2, मॉलिक्युलरिटी जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2, क्योंकि तुम्हारा जो RDS है यही है हमारा RDS, इसमें दो मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा है, ठीक है। तो ये मॉलिक्युलरिटी हो गया। अब तो यहाँ पर वही हमने लिखा, रेट इंक्रीज करेगा तो अल्काइलाइड का जब कंसंट्रेशन को बढ़ाएंगे, रेट इंक्रीज करेगा कब, जब बेस का कंसंट्रेशन को बढ़ाएंगे, ठीक है। अब एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम की बात करते हैं। देखो ये हमारा एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम हो गया। इस एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम में हम लोग को रिएक्टेंट को, प्रोडक्ट को और साथ में ट्रांजिशन स्टेट को शो करना होता है, ठीक है। तो अब इतना तो क्लियर है, ट्रांजिशन स्टेट का एनर्जी सबसे ज़्यादा होगा, तो यहाँ पर हमने ट्रांजिशन स्टेट दिखा दिया, ये हो गया रिएक्टेंट, ये हो गया प्रोडक्ट। हेमोंट्स प्रिंसिपल से ट्रांजिशन स्टेट के जस्ट बगल में कौन है, प्रोडक्ट है। अगर प्रोडक्ट होगा तो डैट मीन्स कि इसका कैरेक्टरिस्टिक्स किसके जैसा दिखेगा, प्रोडक्ट के जैसा। अब प्रोडक्ट में क्या बन रहा है हमारा, अल्कीन, मतलब ये कि ट्रांजिशन स्टेट का कैरेक्टरिस्टिक्स बिल्कुल अल्कीन का कैरेक्टरिस्टिक्स के बराबर होगा। अब जरा ये सोच के देखो कि मान लो ट्रांजिशन स्टेट का स्टेबिलिटी तब किस पर डिपेंड कर रहा होगा, प्रोडक्ट का स्टेबिलिटी पे, ठीक है। अगर मान लो ट्रांजिशन बोलते हैं कि प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा स्टेबल है तो मतलब ट्रांजिशन स्टेट भी उसका स्टेबल होगा, ठीक है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जो तुम्हारा रेट ऑफ E2 एलिमिनेशन है वो किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन के। तो जितना ज़्यादा एल्कीन स्टेबल होगा उतना ही ज़्यादा तुम्हारा बोल सकते हैं रेट ऑफ E2 एलिमिनेशन होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि एल्कीन जो है वो प्रोडक्ट है और प्रोडक्ट जो है वो बिल्कुल ट्रांजिशन स्टेट के जैसा तुम्हारा कैरेक्टरिस्टिक्स तुम्हारा शो कर रहा होगा। तो दोनों का चूंकि सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स है इसलिए रेट ऑफ E2 एलिमिनेशन जो होगा ये प्रोपोर्शनल होगा स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन के, ठीक है। यहाँ तक नोट करो, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, देखो स्टीरियो केमिस्ट्री के बारे में बात करते हैं E2 एलिमिनेशन का। तो इस चीज़ को थोड़ा सा याद रखना हमेशा कि चूँकि बेस को साइमल्टेनियसली निकालना है प्रोटॉन को, बीटा हाइड्रोजन को, ठीक है, एट द सेम टाइम जबकि लिविंग ग्रुप लीव कर रहा होगा,
ठीक है। तो चूंकि ये दोनों प्रोसेस जो है बिल्कुल साइमल्टेनियस है, तो इसीलिए हमेशा बेस का जो अप्रोच होगा वो लिविंग ग्रुप के जस्ट अपोजिट होगा, क्योंकि बेस का नेचर तो नेगेटिव है, लिविंग ग्रुप का भी नेचर क्या होगा, नेगेटिव होगा। इसलिए जब लिविंग ग्रुप जिस साइड से भी लीव कर रहा होगा उसके जस्ट अपोजिट साइड से बेस का अप्रोच होना चाहिए, ठीक है। तो वो अपोजिट साइड से जाकर, ठीक है, जो बीटा हाइड्रोजन होगा उसको एलिमिनेट करने का कोशिश करेगा, ठीक है। तो इसी एलिमिनेशन के टाइप को हम एंटी एलिमिनेशन कहते थे, कि जब लिविंग ग्रुप के जस्ट अपोजिट कौन जाएगा, बेस, ठीक है। तो यहाँ पे एंटी एलिमिनेशन का केस होता है, ठीक है। तो यही हमारा स्टीरियोकेमिस्ट्री में इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर वही हमने मेंशन कर रखा उसी का, कि यहाँ पे एग्जांपल है, ध्यान से इसको देखो। यहाँ पे वेज पे बी आर है, मतलब जो लिविंग ग्रुप है हमारा वो लिविंग ग्रुप कहाँ है, ठीक है, वेज पे। अब ये जो बेस दिख रहा है वो अप्रोच करेगा बीटा हाइड्रोजन को, तो देखो ये तो हो गया अल्फा, तो ये हो गया बीटा, और ये भी हो गया हमारा बीटा। अब इस बीटा कार्बन में दो हाइड्रोजन होगा, एक वेज पे होगा एक डैश पे होगा। तो ये जो तुम्हारा OH माइनस है ये किसको अप्रोच कर रहा है, देख लो ध्यान से, डैश वाले को अप्रोच कर रहा है, ना कि वेज वाले को, क्योंकि वेज वाला हाइड्रोजन जो होगा वो BR के साइड ही होगा, BR भी यहीं है, वेज वाला हाइड्रोजन भी यहीं पर है। तो इसलिए जो बेस है वो इस H को अटैक नहीं कर रहा, वो किस H को अटैक कर रहा है, जो जस्ट इसके अपोजिट है, तो इसके बैक साइड वाले पे जाके वो अटैक कर रहा है। इसलिए यहाँ पे हमने बोला अपोजिट साइड अटैक या एंटी एलिमिनेशन। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा, एच यहाँ से एलिमिनेट हुआ, बी आर यहाँ से एलिमिनेट हो गया, तो इन दोनों कार्बन के बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड अपियर हो गया, ठीक है। तो अब देखो जो नेचर ऑफ रिएक्शन है, ठीक है, वो क्या है तुम्हारा, स्टीरियो स्पेसिफिक एंड स्टीरियो सेलेक्टिव। ये अभी एग्जांपल मैं यहाँ पे मेंशन करूँगा तो एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा, स्टीरियो स्पेसिफिक क्यों बोल रहे हैं और स्टीरियो सेलेक्टिव क्यों बोल रहे हैं, ठीक है, ये भी एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा। उसके बाद अगला है नेचर ऑफ रिएक्शन इज रिजियो सेलेक्टिव, ये भी अभी एग्जाम्पल दूंगा तो वहाँ तक क्लियर हो जाएगा। तो अभी इन दोनों का भी एग्जाम्पल देकर समझा दूंगा, ठीक है, पहले यहाँ तक आप लोग उसको पहले नोट कर लो। तो यहाँ पे हमने एक एग्जांपल ले रखा है स्टीरियो स्पेसिफिक नेचर ऑफ E2 को एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है। तो ये दो डिफरेंट हमने कॉन्फॉर्मर लिया है और हमने ये चीज़ अच्छे से पता है कि अगर आप किसी भी कॉन्फॉर्मर को 180 से अगर रोटेट करोगे तो देर विल बी नो चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दैट कॉन्फॉर्मर, ठीक है। रिगार्डिंग जैसे कि RS कॉन्फ़िगरेशन में कोई चेंज नहीं आएगा, उसके ऑप्टिकल एक्टिविटी में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो कि हमें कहा गया था कि जो लिविंग ग्रुप होगा उसके जस्ट अपोजिट होना चाहिए, जस्ट एंटी डायरेक्शन में होना चाहिए कौन, ठीक है, जो हमारा लिविंग ग्रुप होना चाहिए और जो हमारा बीटा हाइड्रोजन होना चाहिए, दोनों एक दूसरे का हमेशा 180 डिग्री में होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे एक्सप्लेन किया जा रहा है, इस चीज़ को थोड़ा सा समझेंगे। जैसे मान लो कि ये Cl हमारा लिविंग ग्रुप है, अब अगर ये Cl लिविंग ग्रुप है तो ये बैक वाले कार्बन से कनेक्टेड है, तो फ्रंट वाला कार्बन तो हो गया बीटा कार्बन, तो बीटा कार्बन से जुड़ा हुआ ये वाला जो हाइड्रोजन है ये जस्ट अपोजिट है, मतलब यहाँ से ये हाइड्रोजन एलिमिनेट होगा, ये Cl और ये हाइड्रोजन एलिमिनेट हो गया। तो एलिमिनेट होने के बाद कॉन्फॉर्मर जो हो गया वो क्या बन गया, CH3H ये बन गया, और यहाँ पे बन गया CH3 और H। अब इसका हम अगर मान लो बना देगा इसका स्ट्रक्चर डबल बॉन्ड से, तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, दोनों CH3 अपोजिट है, मतलब CH3 अपोजिट हो गया और दोनों H जो है वो भी अपोजिट है, मतलब यहाँ पे कौन सा कॉन्फ़िगरेशन हमारा बन गया, ट्रांस। तो जब हमने ये कॉन्फॉर्मर लिया तो उसमें प्रोडक्ट हमारा ट्रांस बन रहा है। अब मान लो ये कॉन्फॉर्मर हमने लिया हुआ है, इस कॉन्फॉर्मर में ये Cl हटा तो Cl के एंटी पे ये H था, एलिमिनेट हो गया। तो अब इसका स्ट्रक्चर अगर मान लो बना दिया हमने, तो CH3 हो गया, ठीक है, उसके बाद ये आपका यहाँ पर CH3 हो गया, इस पर H रह गया और इस पर H रह गया। अब इसका स्ट्रक्चर बना दिया हमने तो C डबल बॉन्ड C, ठीक है, CH3 दोनों सेम साइड पे हैं, CH3 दोनों सेम साइड पे हो गया, H और H दोनों सेम साइड पे, मतलब यहाँ पे कौन सा कॉन्फ़िगरेशन हो गया, तो सिस। तो यहाँ देखो प्रोडक्ट का जो स्टीरियो नेचर था वो डिपेंड कर रहा था, किस पे डिपेंड कर रहा था, इस पे डिपेंड कर रहा था, ठीक है। और शायद स्टीरियो स्पेसिफिक हमने इसी तरह से डिफाइन किया था कि रिएक्शन को स्टीरियो स्पेसिफिक नेचर का तब हम कहेंगे जब रिएक्शन का जो प्रोडक्ट का स्टीरियो नेचर है वो डिपेंड करने लगे रिएक्टेंट के स्टीरियो स्ट्रक्चर पे। तो जब इसके स्टीरियो स्ट्रक्चर पे डिपेंड करने लगा तो हमने कहा कि जो E2 एलिमिनेशन होगा वो E2 एलिमिनेशन जो होगा वो स्टीरियो स्पेसिफिक नेचर का होगा, क्योंकि डिफरेंट स्टीरियो स्ट्रक्चर लेने पर सेम रिएजेंट के साथ हमें डिफरेंट स्टीरियो प्रोडक्ट यहाँ पर मिलता है, ठीक है। इसलिए नेचर हम रिएक्शन को स्टीरियो स्पेसिफिक नेचर का बोल रहे हैं, ठीक है, यहां तक नोट करो, फिर दूसरा एग्जांपल के साथ आते हैं। ठीक है, देखिए यहां पे एक एग्जांपल लिया हुआ है, एग्जांपल बेसिकली एक्सप्लेन करेगा रिएक्शन कैसे स्टीरियो सेलेक्टिव है एंड रिजियो सेलेक्टिव है, ठीक है। अब देखो मान लो कि एग्जांपल लिखा हुआ है,
तो इस तरह का क्वेश्चन कभी भी आएगा। मान लो ये अल्काइलाइड है, हमने बेस और हिट दे दिया साथ में, ठीक है। अब इस पर आपको मान लो कि प्रोडक्ट बनाना है, तो जितना भी, जैसे मान लो यहाँ पे हैलोजन लगा हुआ है, तो इस हैलोजन के रिस्पेक्ट में देख लो जितना भी पॉसिबल बीटा हाइड्रोजन हो सकता है। जैसे कि ये एक पॉसिबल बीटा हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी एक पॉसिबल बीटा हाइड्रोजन मिलेगा और यहाँ पर भी एक पॉसिबल बीटा हाइड्रोजन मिलेगा। तो जितने भी बीटा हाइड्रोजन होंगे उन सारे बीटा हाइड्रोजन का एलिमिनेशन करके हमें सारा पॉसिबल प्रोडक्ट्स पहले फॉर्म करना है, ठीक है। तो हमने देखो यहाँ पर तीनों को टारगेट कर लिया, इसको भी टारगेट किया, इसको भी टारगेट कर लिया और हमने इसको भी टारगेट कर लिया। इन तीनों को एक एक करके हमने ए बी से रिमूव कर दिया, ए रिमूव किया, बी रिमूव किया, सी रिमूव किया। अब आप सोच के देखो, जब आप ये ए को रिमूव करोगे तो इनके बीच में डबल बॉन्ड आएगा, बी को रिमूव कर दोगे इनके बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, सी को रिमूव कर दोगे तो इनके बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो अलग अलग हमने हर जगह पे ये डबल बॉन्ड बना दिया, ठीक है। अब जो तीन अल्किन बना उनमें सबसे पहले आप स्टेबिलिटी आपस में चेक कर लो। तो इतना तो क्लियर है भाई, तीन अल्फा एच, सात अल्फा एच, ग्यारह अल्फा एच, तो भाई सबसे ज़्यादा स्टेबल हो गया तुम्हारा कौन सा, सेटजेफ अल्किन। तो हमने यहाँ पर लिखा था कि ई टू एलिमिनेशन में जनरली सेटजेफ प्रोडक्ट जो होता है वो मेजर होता है, मतलब इन सभी में सबसे ज़्यादा कौन बन गया, ये बन गया, ठीक है। लेकिन अगर सवाल में हम क्वेश्चन अगर पूछता है कि नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स कितने बनेंगे, तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स जब बनेंगे तो जो अल्कीन है, चूंकि अल्कीन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है, इसलिए आप एक बार चेक करो कि जीआई शो करेगा या नहीं करेगा, ठीक है। तो देखो यहाँ डबल बॉन्ड है, इसके अबाउट कोई जीआई शो नहीं कर रहा है। इसके अलावा काइरल सेंटर भी आपको देखना है, तो यहाँ पे कोई काइरल सेंटर भी नहीं आ रहा है, मतलब इस ये सिर्फ एक प्रोडक्ट है, एक सिंगल प्रोडक्ट है यहाँ पे। अब इसमें देखो, यहाँ पर जब आप इसके अबाउट देखोगे तो क्या हो रहा है, यहाँ पे एक CH3, एक आइसोप्रोपाइल का ग्रुप, एक CH3 और एक H, मतलब यहाँ पे GI पॉसिबल है। तो GI पॉसिबल इसका दो फॉर्म बनेगा, सिस और ट्रांसफॉर्म। तो दो प्रोडक्ट यहाँ पे, एक प्रोडक्ट यहाँ पे, टोटल तीन प्रोडक्ट बन गया, ठीक है। और यहाँ पर आ जाते हैं, तो यहाँ पे तो डबल बॉन्ड के बाद GI तो शो करेगा नहीं, ये दोनों सेम हो गया, तो GI पॉसिबल नहीं है यहाँ पे। मतलब टोटल कितना प्रोडक्ट बन गया, चार टोटल प्रोडक्ट बन गया, ठीक है। अब देखो ये जो ABC तीन प्रोडक्ट बन रहा है, तीनों एक दूसरे का क्या है, स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म है। कहीं डबल बॉन्ड का पोजीशन कहीं और है, कहीं और है, कहीं और है, तो कोई पोजीशन आइसोमर हो सकता है, कोई चेन आइसोमर हो सकता है, ठीक है। तो यानी कि स्ट्रक्चरल आइसोमर है। अब इसमें तीनों स्ट्रक्चरल आइसोमर में सबसे ज़्यादा स्ट्रक्चरल आइसोमर कौन सा बन रहा था, ये बन रहा था। तो मतलब ये हुआ कि ये रिजियो सेलेक्टिव है, क्योंकि रिजियो सेलेक्टिव क्या होता था कि दो चार स्ट्रक्चरल आइसोमर बनेगा उसमें कोई एक डोमिनेट कर जाएगा, तो हम कहते थे उसको रिजियो सेलेक्टिव। तो मतलब इन तीनों में सबसे ज़्यादा बन गया ये, तो ये हो गया रिजियो सेलेक्टिव, ठीक है। अब कहा जा रहा है स्टीरियो सेलेक्टिव। स्टीरियो सेलेक्टिव में कहा जाता था कि जब दो तीन प्रोडक्ट बन रहा है और उसमें कोई दो तुम्हारा स्टीरियो आइसोमर हो, तो कोई दो स्टीरियो आइसोमर होगा जिसमें से एक ज़्यादा बन जाए, तो रिएक्शन को स्टीरियो सेलेक्टिव कहते थे। अब यहाँ सोचो कि ये जो बी प्रोडक्ट है, इसका दो प्रोडक्ट बन रहा है, सिस और ट्रांस। इसमें ट्रांस ज़्यादा बनेगा और सिस कम बनेगा, क्योंकि ट्रांस का स्टेबिलिटी ज़्यादा होता है, सिस का स्टेबिलिटी कम होता है। तो इसलिए इन सभी में अगर हम देख लेंगे, सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट जो बन गया वो बन गया ये हमारा, ठीक है, सी प्रोडक्ट। इसके बाद कौन बना, तो बी। बी में भी कौन बना, ट्रांस ज़्यादा, फिर से इस, और देन उसके बाद फाइनली सबसे कम प्रोडक्ट वो बन गया, ठीक है। तो इस तरह से हम रिएक्शन को स्टीरियो सेलेक्टिव भी कह सकते हैं, ठीक है। तो अभी तक देखो जितना भी हमने यहाँ पे एग्जांपल किया, वो सारे एग्जांपल में हम लोग ये देख रहे हैं कि कैसे तुम्हारा जो मेन प्रोडक्ट है वो हमारा, ठीक है, वो क्या बन रहा है, सेटजेफ अल्किन जो है वो मेजर प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है। तो जैसे मान लो कि अगर कुछ एग्जाम्पल्स का भी हम लोग यहाँ पे करेंगे, पहले आप लोग इसको नोट डाउन कर लो, उसके बाद कुछ एग्जाम्पल्स कर लेते हैं। देखो यहाँ पे हमने एक एग्जांपल ले रखा है, ठीक है, अल्कोहलिक KOH के साथ HCl। अब देखो यहाँ पे ये लिविंग ग्रुप है, तो इस ये अगर मान लो अल्फा कार्बन है, तो इसके रिस्पेक्ट में बीटा कार्बन को आइडेंटिफाई कर लिया हमने, और बीटा कार्बन को आइडेंटिफाई कर लिया, मतलब इसके पास भी हाइड्रोजन होगा और इसके पास भी हाइड्रोजन होगा, तो ये दोनों को एलिमिनेट हमें करना है, ठीक है। तो अगर मान लो एलिमिनेट हमने कर दिया, तो Cl और इसको एलिमिनेट करोगे तो एक डबल बॉन्ड यहाँ बन गया, और अगर यहाँ पर एलिमिनेट करोगे तो एक डबल बॉन्ड यहाँ पर बन गया, ठीक है। अब देखो, अब इसका दो पॉसिबिलिटी है, ठीक है, एक सिस फॉर्म बन जाएगा और एक ट्रांसफॉर्म बन जाएगा, मतलब यहाँ पे जो टोटल प्रोडक्ट है वो कितना फॉर्म कर गया, तीन प्रोडक्ट बन गया, ठीक है। उसी तरह से मान लो कि एक एग्जांपल हमने लिख दिया कुछ इस तरीके से, ठीक है, ये मान लो ये एग्जांपल है। अब इसमें देखना है कि कितना अल्फा एच मान लो बन रहा होगा, ठीक है, मान लो इस तरह से। तो अब यहाँ पर देख लो इसके रिस्पेक्ट में, ये अगर अल्फ़ा कार्बन है, ठीक है, तो अगर ये अल्फ़ा कार्बन होगा, ठीक है, तो क्या मान लो कि ये कार्बन बीटा कार्बन हो गया, ये कार्बन बीटा कार्बन हो गया, ये कार्बन बीटा कार्बन हो गया। अब ध्यान से देखो, ये बीटा कार्बन और ये बीटा कार्बन दोनों आइडेंटिकल है, तो अगर दोनों आइडेंटिकल है तो दोनों में से किसी एक का ही एलिमिनेशन करेंगे, ठीक है, और दूसरे वाले को तुम्हारा छोड़ देंगे। मान लो कि यहाँ वाले को देख लेंगे तो यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन है, ठीक है, तो क्या बन रहा है तुम्हारा, एक इसको एलिमिनेट कर दो
तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक मान लो यहाँ पे एलिमिनेट कर दो, ठीक है, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है। अब देख लो ध्यान से कि ये जो है ये जी आई शो कर सकता है, तो जी आई को शो कर सकता है मतलब यहाँ पे दो प्रोडक्ट हो गया, ये जी आई नहीं शो कर सकता तो यहाँ पे एक प्रोडक्ट, टोटल प्रोडक्ट तीन बन गया, ठीक है। उसी तरह से मान लो साइक्लिक में भी बना सकते हो, मान लो यहाँ पे बी आर हमने ले लिया और यहाँ पे सी एस थ्री ले लिया। अब देखो ये अल्फा कार्बन है तो ये बीटा कार्बन है और ये बीटा कार्बन है। अब देखो एक यहाँ से एलिमिनेशन हो सकता है, एक यहाँ से एलिमिनेशन हो सकता है, तो दो प्रोडक्ट बना लो, यहाँ से बी आर हटा दिए, एच को एलिमिनेट कर दो तो यहाँ पे बन गया, ठीक है। प्लस यहाँ यहाँ भी एक बन सकता है तो यहाँ भी बना दो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे अल्फा एच कितना हो गया, तीन दो पाँच और दो सात अल्फा एच, तो यहाँ पे अल्फा एच कितना हो गया, दो और एक यहाँ पे तीन अल्फा एच, तो ये हो गया सेटजप प्रोडक्ट। तो ये हमारा मेजर बनेगा और ये माइनर बनेगा। उसी तरह से ये मेजर था क्योंकि ये सेटजप अल्किन बन रहा था, उसी तरह से ये मेजर होगा क्योंकि ये सेटजप अल्किन बन रहा था। तो जहाँ भी सेटजप अल्किन बनेगा वहाँ पे प्रोडक्ट क्या होगा, हमारा मेजर होगा, ठीक है। अगले क्लास में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि ए टू एलिमिनेशन में ऐसा कौन कौन सा केस आता है जिसमें कि जो हॉफमैन प्रोडक्ट है, ठीक है, वो एज अ मेजर प्रोडक्ट फॉर्म करता है, ठीक है। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही, ओके, थैंक यू।